जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप कमेंट सेशन में बताइएगा, ठीक है। सो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि जितना अब हम प्रैक्टिस लगाएं उतना हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपसे कहने वाली हूँ कि इसमें प्रश्न 20 आएंगे, प्रश्न आपके 20 आएंगे, और एक प्रश्न आपका दो नंबर का होगा, 40 अंक के आपके 20 प्रश्न आपके 40 अंक के होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको नेगेटिव कम से कम करनी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन एक देखिए, 20 प्रश्न करेंगे, अच्छे से करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे, ठीक है। तो दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण, अगर इसमें अर्थपूर्ण आ जाए तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें ये दे रखा है ए टी सी, इसका आपको ऐसा शब्द बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है कि इसका जो अर्थ निकल आए। तो देखो इसका सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली, इसका अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा, तो यही कह रहा है ये। अब ए सी टी एक्ट होता है, इसका भी अर्थ होता है, ठीक है। ऐसे ही ये कह रहा है कि अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है किसका, ए यू बी ई टी वाई का। अबाउट एक बार देख लीजिए, क्या इसमें से इन्हीं अक्षरों में से अबाउट बन रहा है। देखो यहाँ ओ है, यहाँ ओ नहीं है, तो ये नहीं बन रहा, ठीक है। इसी अक्षर में से बनना चाहिए आपका, देखिए बी ई ए यू टी वाई, बी ई ए यू टी वाई, ब्यूटी, ये बन रहा है। ब्यूटी मिस होता है सुंदरता, ब्यूटी मिस क्या होता है सुंदरता, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। और इसका मीन्स भी निकल रहा है, इसलिए हमारा ब्यूटी एकदम करेक्ट आंसर है। एक बार देख लेते हैं, इसमें वी आ रहा है, क्या इसमें वी है, नहीं है, ये गलत है, ठीक है। ए यू बी ई टी वाई, देखो ए यू बी ई टी वाई, लेकिन इसका कोई मीन्स नहीं होता, इसलिए ये गलत है। लेकिन अक्षर सारे मिल रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, मीन्स चाहिए ना हमें, तो कोई मीन्स नहीं निकल रहा, तो हमारा ये प्रश्न, ये वाला ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। क्या आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया। अब आप ये क्वेश्चन दो देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये आपके अक्सर पेपर में आते रहते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीख जाएंगे। तो आप देख लीजिए, सुषमा रश्मि से धनी है, जो सुषमा है वो रश्मि से अमीर है, तो भाई सुषमा पैसे में सबसे रश्मि से आगे हुई ना, समझ गए ना। तो इसको आप लिख लीजिए, सुषमा भाई किससे आगे हो गई, रश्मि से आगे, समझ गए, क्योंकि रश्मि से धनी है सुषमा, जबकि आनंद प्रिंसी से अमीर है। अभी मैं इसको लिख नहीं पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ सुषमा और रश्मि है, ये आनंद और प्रिंसी अपने अलग ही आ गए, तो कोई नहीं, आगे करती हूँ तो अपने आप ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अरुण रश्मि जितना अमीर है, जो अरुण है, अरुण और रश्मि मतलब एक जैसे पैसे वाले हैं, ना तो एक से एक दूसरे से गरीब हैं और ना ही एक दूसरे से अमीर हैं, ठीक है। अरुण रश्मि जितना अमीर है, तो मतलब ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, समझ गए। अब भाई अमीर बोल रहा है ना, तो देखो ये ज़्यादा पैसे वाले, सुषमा ज़्यादा पैसे वाली है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सुषमा से अमीर है शोभा, सुषमा से भी ज़्यादा पैसे वाली कौन है, शोभा। अब देखिए आनंद और प्रिंसी का मैटर आ गया, तो ये आनंद और प्रिंसी का अभी हम कहीं नहीं लेकर चलते, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इतने से ही अपने प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आनंद और प्रिंसी का नाम तो नीचे कहीं है ही नहीं, तो कोई नहीं। अब आप ऑप्शन से इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए रश्मि प्रिंसी से गरीब है, मतलब प्रिंसी से गरीब है रश्मि,
क्या यहाँ पर प्रिंसी और आनंद का कोई जिक्र हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसे छोड़ दो। प्रिंसी अरुण से अमीर है, इसे भी छोड़ो। अब इसे देखो, अरुण सुषमा से गरीब है, मतलब ये अरुण है सुषमा से गरीब है। अब भाई सुषमा आगे है, अरुण पीछे है पैसे में, मतलब सुषमा पैसे वाली है, अरुण कम पैसे वाला है, वो गरीब है, ठीक है? तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और ये आनंद, अब भाई देखो आनंद और प्रिंसी का तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ये तो ये हमारे ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। कहीं कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये दो कंडीशन दी हुई हैं, तो ये दो कंडीशन आपको इसलिए दी हुई हैं कि आप थोड़े मतलब नर्वस हो जाओ। अब उनका कोई काम ही नहीं है तो फिर हम अपने क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? जो कंडीशन हमें दी होती है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रश्न हल करते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन तीन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तीन कह रहा है कौन असमान है, मतलब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो तीन ऑप्शन से अलग है, ठीक है? देखिए गाजर, मूली, आलू, बैगन। अब आप मुझे ये बताइए, जो गाजर होती है वो ज़मीन के अंदर होती है या ज़मीन के बाहर होती है? गाजर, मूली और आलू ज़मीन के अंदर होते हैं, और जो बैगन होता है ज़मीन के बाहर होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन डी हमारा मतलब आसमान है। ये तीनों एक जैसे हैं और ये अलग है। क्वेश्चन चार, रक्त संबंध मैंने आपको परसों ही क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कराया था, समझाया था। ये प्रश्न आ गया है, रक्त संबंध का एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है? तो आप एक बार देख लीजिए। ये मैंने आपको बताया था कि अगर पुरुष हो तो प्लस का यूज करेंगे, महिला हो तो माइनस का यूज करेंगे, ठीक है? बी के पिता हैं ए, बी के पिता कौन हैं? बी के पिता हैं ए, एक पीढ़ी ऊपर, समझ गए? पिता हैं इसलिए प्लस का यूज किया है। डी के पुत्र हैं सी, डी का पुत्र कौन है? सी। लेकिन ए और बी चल रहा है तो अभी कोई मैटर नहीं है ना, तो नहीं करते, दोबारा हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है? अब आप देख लीजिए, कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है सी ए का पौत्र है। ए का पौत्र, पौत्र बोलते हैं पुत्र का, पुत्र को बोलते हैं पौत्र, पुत्र के पुत्र को क्या बोलेंगे? पौत्र, ठीक है? पुत्र के पुत्र को बोलेंगे पौत्र, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि डी के पुत्र हैं सी। किसका है? डी का। कौन है? सी। और यहाँ एक कंडीशन और पता लगी है कि ए का पौत्र है सी, ए का पौत्र, देखो पुत्र का पुत्र, तो ये इसका पुत्र हो गया, समझ गए? ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, ये हमें पता नहीं कि ये बहन है कि भाई है, ठीक है? अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या कह रहा है? बी की पत्नी है सी, क्या बी की पत्नी सी है? ये गलत है, क्योंकि पत्नी में मैंने आपको बताया था कि ऐसे चिन्ह बन जाता है पति पत्नी का, क्या ये है? ये भाई एक पीढ़ी नीचे जा रहा है सी, तो ये नहीं है, ठीक है? देखिए डी की बहन है बी, डी की बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको आगे करके बता देती हूँ। डी की पुत्री है ए, डी की पुत्री है ए, भाई ये इसके पिताजी हैं, तो ये गलत हो गया। डी की पुत्री है बी, डी की पुत्री है बी, क्या पुत्री है? ये भाई इसकी भाई या बहन है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भले ही हमें पता नहीं है कि भाई है कि बहन है, लेकिन कंडीशन इसकी सही जा रही है, ऐसी कंडीशन में ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पाँच एक बार देख लीजिए। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? समझ गए ना? लेकिन एक कंफ्यूजन है, छोटी ए बी सी डी, बड़ी ए बी सी डी, बड़ी ए बी सी डी, छोटी ए बी सी डी, छोटी ए बी सी डी, बड़ी ए बी सी डी, ठीक है? यही तो कंफ्यूजन है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं रखना। तो देख लीजिए, छोटी बड़ी,
बड़ी आ गई ना, छोटी छोटी बड़ी। अब बड़ी बड़ी के दो अक्षर आएंगे क्योंकि ये इधर दो अक्षर चल रहे हैं ना, क्योंकि देखो छोटी बड़ी, बड़ी है ना, बड़ी छोटी, छोटी बड़ी। अब बड़ी आएगी ना, बड़ी के दो अक्षर बी सी, और बाकी बचे आपके छोटे आएंगे। तो ऑप्शन ए एकदम आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन छः क्या कह रहा है, क्वेश्चन छः कह रहा है 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक तो इसने एक एक जोड़ा है। ठीक है, देख पा रहे हैं, यहाँ तक एक एक जोड़ा है। अब देखते हैं, नहीं नहीं यहाँ भाई इसने दो जोड़ दिया है। ठीक है, देखो 5 और 2 7, अब यहाँ भी दो जोड़ दो, यहाँ भी दो जोड़ दो, 9 11। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 7 आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 7 कह रहा है यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर बताइए। ठीक है, तो सही क्रम आप वर्णमाला का जानते हैं, ए से लेके जेड तक होता है। यही अगर आपसे देखो सही क्रम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होता है ना सीधा क्रम। यही आपसे उल्टा क्रम बोल दिया जाए या विपरीत क्रम बोल दिया जाए तो जेड से ए तक हो जाता है, समझ गए। अब ये कह रहा है कि एन के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा, तो अब आपको ऐसी तो लिखनी है जेड वाई एक्स, ऐसे करके ही तो आपको ए तक ले जानी है। तो कोई नहीं, लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, रफ कर देते हैं ना, ठीक है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे ये आपका विपरीत क्रम हो गया। ठीक है, यहाँ ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से, आपका शुरुआत आपकी यहाँ से है और ये यहाँ तक है। ठीक है, मतलब जेड से ए तक, आपको समझाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब ये कह रहा है एन के दाईं ओर, अब इसमें एन कहाँ है, एन ये है ना, ये आपका एन है। अब आप ऐसे बैठे हो, आप ऐसे बैठे हो तो ये आपका बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया। ठीक है, समझ गए ना, ये आपका बायां है और ये आपका दायां है क्योंकि आप बैठे ही इस कंडीशन में हो। तो ये कह रहा है कि एन के दाईं ओर 8वां अक्षर, तो आप ऐसे जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा अक्षर हो गया, एफ। तो इसका उत्तर क्या हो गया, एफ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्या आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया, आशा करती हूँ अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, क्वेश्चन 8 देख लीजिए एक बार, प्रकाश किरण से संबंधित है तो आवाज़ का संबंध किससे है। देखो प्रकाश में किरण होती है, होती है ना, उसी प्रकार आवाज़ में ध्वनि होती है। ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 9 कह रहा है विषम चुनिए। ठीक है, मतलब तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। ठीक है, तो आपको विषम चुनना है 121, ये भाई वर्ग होता है ना, 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद करने होंगे और 1 से लेकर 10 तक आपको घन याद करने होंगे। ठीक है, तो ये 11 का वर्ग होता है, कितने का, 11 का, ये 81 कितने का वर्ग होता है, 9 का, और 64 होता है 8 का। ठीक है, और 181 किसी का वर्ग नहीं होता, इसीलिए ये हमारा अलग है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 10 कह रहा है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये डेली यूज में ऐसे प्रश्न यूज होते रहते हैं तो ये काफ़ी सिंपल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, मतलब ये बात करी जा रही है पास्ट की, भूतकाल की। ठीक है, कि कल से पहले का दिन शुक्रवार था। अब एक बार आप देख लीजिए, कल से पहले, ये कल है, कल से पहले का दिन क्या था, शुक्रवार, ये क्या हो गया, शनिवार।
तो आज क्या हो गया? रविवार। ठीक है, आज का दिन क्या हो गया? रविवार। देखो रविवार को कह रहा है ये कि कल से पहले का दिन शुक्रवार था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कल के बाद का दिन बताइए, तो कल के बाद का दिन, आने वाले कल के बाद का दिन पूछ रहा है ये। तो देखो आज, आज ये हो गया, कल ये हो गया, कल के बाद का दिन ये वाला पूछा है इसने, ये वाला। ठीक है, तो देखो रविवार, सोमवार, ये सोमवार हो गया और ये आपका मंगलवार हो गया। क्या ऑप्शन में मंगलवार है? ऑप्शन में मंगलवार है, मंगलवार हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है मतलब आपको आकृति दी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और पांचवी आकृति आपसे पूछी गई है। तो एक बार आप देख लीजिए, ये पूरी आकृति ऐसे दी है। ठीक है, और इसमें एक लाइन है। अब इसमें से ये लाइन हटा दी तो ये बन गई। अब इसमें से इसे हटा दिया, इस वाले पार्ट को, तो ये बन गया। अब इसमें से ये वाला पार्ट हटा दिया तो ये बन गया। अब इसमें से ये वाला पार्ट हटा दो तो क्या बन जाएगा? क्योंकि एक एक रेखा वो हटा रहा है। ठीक है, ये वाली रेखा हटाओ तो क्या बन गया? ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 12 कह रहा है, जलेबी मिठाई खाने योग्य वस्तुएं। ठीक है, खाने योग्य। तो देखिए, अब ये जो खाने योग्य वस्तुओं के अंतर्गत मिठाई आती है और मिठाई के अंतर्गत जलेबी आती है, ये तो आपको पता है ना कि जलेबी एक मिठाई है और मिठाई खाने योग्य होती है। ठीक है, तो खाने योग्य वस्तुओं के अंतर्गत मिठाई आती है और मिठाई के अंतर्गत जलेबी आती है। ये आपकी जलेबी है और ये आपकी मिठाई है और ये आपकी खाने योग्य है। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको कराया गया है गणितीय समीकरण। ठीक है, तो ये कह रहा है प्लस का मतलब गुणा है, गुणा का माइनस है, माइनस का भाग है और भाग का प्लस है। ठीक है, तो देखो मतलब अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, जो पहले के चिन्ह दिए गए हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं इन्हें रफ कर देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, समझ गए ना? देखिए 8 चौक 32 माइनस, अब देखो ये भाग लग रहा है ना, तो देखो 3 से 9 कितनी बार कट गया? 3 बार, प्लस 1। तो देखिए आपको करना क्या है, ये माइनस का है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 33 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचा? 30। क्या इसमें 30 ऑप्शन है? नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन कह रहा है नन, इनमें से कोई नहीं, तो मेरा ये ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14, ये मैंने कल आपको रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कराया था और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आया हो। ठीक है, तो ये प्रश्न कह रहा है, यदि 55 छात्रों की एक कक्षा में राधे का स्थान ऊपर से 15वां है तो उसका स्थान नीचे से क्या होगा? मतलब टोटल छात्र इसने कितने दे दिए हैं? 55। ऊपर से स्थान दिया है 15वां, नीचे से स्थान पूछा है। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, कुल बराबर, बायां के लिए L का यूज करते हैं, दायां के लिए R का, -1। ठीक है, बायां दायां इसमें भी फिलहाल कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, कुल बराबर ऊपर नीचे, ऊपर प्लस नीचे -1। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, देखिए कुल कितना है? 55 बराबर, ऊपर कितना दिया है? 15वां, प्लस नीचे का पूछा है इसने -1। 55 में से 15 घटा दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्लस के इधर जाके माइनस की हो जाएगी, ये माइनस के इधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो नीचे का स्थान इसका कितना आ गया? 41वां। 41 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो इसमें एक बार आप देख लीजिए, इसमें कंडीशंस बनानी होती हैं हमें खुद अपनी तरफ से। तो हम कैसे बनाते हैं? देखो ONPM, ठीक है, ONPM मतलब इधर क्या आ जाएगा? N,
तभी तो ओ एन पी एम बनेगा। चलो बन गया ओ एन, यहाँ पी आ जाएगा और ये वाली जो कंडीशन है यहाँ एम आ जाएगा। ठीक है देखो, नहीं तो खुद देख लो, ओ एन पी एम, ओ एन पी एम, यहाँ ओ आ जाएगा ओ एन पी एम। ठीक है तो एम ओ एन पी, एम ओ एन पी, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन सोलह, क्वेश्चन सोलह कह रहा है यदि लाल को पीला, मतलब लाल रंग को अब क्या बोलेंगे, पीला। ठीक है पीले को बोलेंगे नीला, नीले को बोलेंगे हरा, हरे को बोलेंगे काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को भूरा, भूरा को धूसर कहा जाए तो आकाश का रंग क्या कहा जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए आकाश का रंग जो होता है वो कैसा होता है। आकाश का रंग आपका होता है नीला, कैसा, नीला। तो इसमें नीला कहाँ है, लाल को पीला, पीला को नीला, लेकिन नीले को क्या कह रहे हैं, नीले को कह रहे हैं इसमें हरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरा। ठीक है नीले को क्या कह रहे हैं, हरा। आकाश का रंग कैसा होगा, हरा। समझ गए। क्वेश्चन 17, इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। ठीक है तो देख लीजिए, जी, जी को मेंशन किया है सात से। ठीक है मतलब जी आपके सात पे ही आती है, ई पाँच पर, आर 18 पे, एम 13 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, वाई 25 पे। तो एफ कितने पे आ जाएगा, 6, 18, 1, 14, 3, 5, ये हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 18 कह रहा है एक कथन दिया है इसमें, एक इसमें निष्कर्ष दिया है और इसमें से हमें उत्तर देखना है कि हमारा कौन सा राइट आंसर है। ठीक है तो बस कुछ नहीं, ये जो कथन दिया है ना, पहले इस कथन के आधार पर हम अपने प्रश्न को लिख लेते हैं। ठीक है कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, मतलब कुछ पुस्तक हैं, ये आपकी पुस्तकें हो गई। ठीक है लेकिन कुछ पुस्तकें, पूरी पुस्तकें नहीं, कुछ, तो कुछ में इतना आ गया ना, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, मैगजीन। ठीक है कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, सिर्फ कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। अब पुस्तकों से उपन्यास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है इसने सिर्फ ये बोला है कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, समझ गए, ये कंडीशन दे रखी है। अब ये जो कंडीशन हमें पता लग गई, अब निष्कर्ष चेक करेंगे। ठीक है निष्कर्ष के आधार पर उत्तर देंगे अपना। ठीक है तो देखिए कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, ये जो कुछ पुस्तकें हैं क्या उपन्यास हैं, नहीं हैं। ठीक है तो ये गलत हो गया। और ये दूसरा देखिए, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, ये भी गलत हो गया। ना तो एक है और ना ही आपका दो है, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न 19 कह रहा है मछली, सल्क, भालू, भालू का हमें बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है तो मछली का जो ऊपरी आवरण होता है वो सल्क कहलाता है और भालू का जो ऊपरी आवरण होता है वो आपका लोम चर्म कहलाता है। ठीक है अगला प्रश्न 17 का संबंध 60 से है तो 20 का संबंध किससे होगा। ठीक है देखो 17 तिया 51, 51 में 9 जोड़ा तो 60 हो गया, 20 तिया 60 में 9 जोड़ा तो 69 ऑप्शन में है, है। सो दोस्तों आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।